नमस्कार दोस्तों, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान राशि फल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 27 जुलाई दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों आई स्टूडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों को पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आई स्टूडियो आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज गुरुवार है, विष्णुमान का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय विष्णुमान लिखें, विष्णुमान आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 27 जुलाई 2023 दिन गुरुवार, आज की तिथि नवमी, आज का नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, पक्ष चेहरा शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:38 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:16 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 8:21 से सुबह 9:20 तक रहेगा। दोस्तों आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 12:01 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 3 और शुभ रंग है सफेद और पर्पल। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपका हसमुख स्वभाव दूसरों को खुश रखेगा। आज आप अपने घर के सदस्यों को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं और आपका काफी धन भी खर्च हो सकता है। बच्चे आपको घरेलू काम काज निपटाने में मदद करेंगे। नए प्रेम संबंधों के बनने की संभावना ठोस है, लेकिन व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारियों को उजागर करने से आपको बचना चाहिए। जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे वे आपकी आंखों के सामने नीचे खिसकते जाएंगे। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा कर रहे हैं जिनकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। आज आपको महसूस होगा कि जीवन साथी जिंदगी में आपकी कितनी अहमियत है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, हर इंसान को गौर से सुने, हो सकता है आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था तो आज आपको वो पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। आज आपको दूसरों की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि बच्चों को ज्यादा छूट देना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। आज अचानक किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता को काफी सराहना मिलेगी और इसके चलते अचानक लाभ मिलने की भी संभावना है। आज आपके करीबी लोग आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने मन को शांत बनाए रखने के लिए आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। आपके जीवन साथी के लवों के मुस्कान पल भर में आपका सारा दर्द गायब करने की काबिलियत रखती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, आज का दिन कुछ नई तोपों के साथ आपका इंतजार कर रहा है। दिन डलते डलते कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपके घर कोई मेहमान आ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी आज दिन बेहतरीन रहने वाला है। स्टूडेंट को आज किसी हाई लेवल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। बुजुर्गों को आज अपने समय का सदउपयोग कोई अच्छी किताब पढ़कर करना चाहिए। आज किसी बच्चे को नोटबुक और पेन गिफ्ट करें तो आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप कुछ नया करने का मन करेगा। इस राशि के डॉक्टर के लिए दिन चुनौतियों से भरा रहेगा। आज आप कुछ समय माता पिता के साथ व्यतीत करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिससे मिलने के लिए आप काफी समय से प्लान बना रहे थे। स्टूडेंट किसी नए पार्ट टाइम कोर्स को एडमिशन लेने का विचार कर सकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, आज गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। कोई बड़ी बाधा से दूर होने से मन में प्रसन्नता रहेगी। जीवन साथी परिवार के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। आप विवाहितों के लिए किसी अच्छी जगह से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। यदि आप प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी के साथ एक छोटी सी समस्या का समाधान करना पड़ सकता है। आज आपको किसी वाहन की खरीदारी करना लाभदायक रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में आज कुछ नए बदलाव आएंगे जिन पर आप लाभ उठाएंगे। व्यापारी में निवेश करने के लिए कल का दिन उत्तम है। नौकरी पेशा व्यक्ति को जल्दी स्थान परिवर्तन करने के योग बनेंगे।
साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, आज को नया काम करेंगे तो उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। पुरानी बातों से निकलकर आगे बढ़ने की सोचें। ध्यान रखें कि घर की कोई महत्वपूर्ण बात आज सार्वजनिक हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आज आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े बदलाव होने के योग हैं। व्यापार में अनुभव महत्वपूर्ण है, गलतियां दोहराने से बचें। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। कला जगत से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। साथ ही आपको बताएं, प्रॉपर्टी बेचने संबंधी योजना चल रही है तो उस पर ध्यान दें। किसी अनजान इंसान से अचानक मुलाकात ही फायदेमंद हो सकती है। घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करें। आप विवाहित व्यक्तियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने से घर में खुशियां भरा वातावरण रहेगा। विवाह संबंधी तैयारी की योजना भी बनेगी। आपके रिलेशनशिप को परिवार के द्वारा स्वीकार करने में वक्त लगेगा। उधार दिए हुए पेमेंट का तकाजा करने का अनुभव सही समय है। आज सभी व्यवसायिक काम सुचारू रूप से होते जाएंगे, इसलिए अपनी पूरी मेहनत व ध्यान अपने कार्यों पर केंद्रित रखें। नौकरी पेशा व्यक्तियों का भी ऑफिस का वातावरण तनावपूर्ण मुक्त रहेगा। साथ ही साथ आपको बताएं, आज आप अपने आप को कई बातों से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। तनाव में वृद्धि होगी, चिड़चिड़ापन रहेगा और छोटे भाई बहनों के साथ आपके मतभेद भी होने की संभावना है। आपसे बहुत अधिक उम्मीदें की जाएंगी, जिससे आप थोड़े नाराज भी रह सकते हैं। छोटी सी गतिविधि भी आज गंभीरता का रूप और हिंसात्मक हो सकती है, इसलिए आप शांत रहने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विवादों से निपटने या कर्ज चुकाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अचानक से उत्पन्न वित्तीय मुद्दे और समस्याओं से परेशान कर सकते हैं। आप जल्दबाजी में कुछ ऐसी बात कह जाएंगे या कुछ कर जाएंगे जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। पैसों के मामले में आज किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज प्रेम संबंधों को लेकर कुछ नया माहौल आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों साथ ही साथ आपके कार्यों में जीवन साथी का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा। साथ ही आपके संबंधों में मधुरता रहेगी। घर का वातावरण संतुलित बनाए रखने के लिए आपको अपने व्यवहार में संतुलन बनाकर रखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों वैवाहिक जीवन आज कुशमय रहेगा। प्रेम संबंधों को मर्यादित बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों साथ ही आप व्यस्त समय के बावजूद कुछ समय परिवार वालों के साथ मनोरंजन व आमोद प्रमोद के लिए आपको समय निकालना चाहिए। इससे सभी को प्रसन्नता मिलेगी और आपके घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों घर में आपके ग्रह के चलते आपको घर से कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए आप एक निश्चित व अच्छी प्रतिक्रिया का पालन करें। इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।